सब ले लो तब ना, तब ना पता चलेगा कि सौरभ तुम चश्मा पहन के घूम रहा है पूरा। आज सोचे हैं कि जाएंगे हॉस्टल में और रुकेंगे पूरे रात। सुबह का 4 बज गया, सोने थोड़ा मोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया। और पहुंचना भी हमको जल्दी इस कारण से। अभी बच गया फोन, नहीं तो जाता नीचे। डायरेक्टली अभी पोखर हराही पर से स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉगिंग, और देख के तो यही लग रहा है कि अभी शांत है एकदम, हवा नहीं बह रहा है, आवाज़ का ही हवा बह दिया जी, बहा दिया जाए। तो वही अभी बहाते हुए निकले हैं आगे, अभी जाना है डायरेक्टली कॉलेज। ये रणवीर लोग तो बोलाएगा कि एक चश्मा ले लेना मेरे लिए। अब भाई चश्मा किधर से लूँ, मिलेगा रास्ते में तभी तो लेंगे, सीधे से ही चलते हैं देखते हैं। अब टावर पे कहाँ मिलता है टावर पे चश्मा, वो भी फिक्स नहीं है, और मेरे पास है भी नहीं। हेलमेट लेते हैं तो हम चश्मा लेते नहीं हैं अपना, सनग्लासेस मतलब कुछ हो गया आँख में, जो आई फ्लू नहीं चल रहा है भाई, वही शायद से अभी हो गया है वो लोगों को, तो इसी कारण से बोल रहा था कि लेके आना चश्मा। अभी देखते हैं, मिलता है तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से ले पाएंगे, तब छोड़ देंगे, पहले देखते हैं लोग का चश्मा मिलता है तो फिर बात कर देता है। ले लिए कि इनकम टैक्स के पास ही कुछ वो टेम्पर वम्पर मिलता नहीं है जहाँ पे सामने फूड वाला लगाता है एकदम फूड का ठेला वाला, तो वहीं पे मिला अभी सामने का 110 का बोला और उसको 80 रुपये में दे दिया एक चश्मा। यहाँ पे है मेरे पास, अभी भी दिखाते हैं, ये मेरे ही टाइप का है, मतलब वो जो ट्रांसपेरेंट रहता है बट, लेकिन मेरा थोड़ा क्वालिटी प्रीमियम थोड़ा लगता है, इसका बहुत डिग्रेडेड है, यही है डिफरेंस। और ये अगर ठेला वगैरह पर से लोगे तो ऐसा ही मिलेगा, तो ये भी सही है, एक दो दिन के लिए क्या ही इतना, लेकिन आए आँख पे एकदम अच्छा खासा इफेक्ट मार देता है, इस कारण से ही हम ये सब चीज़ कभी वेयर नहीं करते हैं, मतलब करना है तो बढ़िया ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। चाहे सन ग्लासेज में मजबूरी रहा तो भले ये पहन लें बट, लेकिन नहीं पहनना चाहिए। दो चीज़ शूज और ये ओरिजिनल लेना चाहिए बट, लेकिन हम शूज अभी डुप्लीकेट पहने हो। आँखों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, जो रियलिटी है तो वही है, इसी कारण से लेना चाहिए अच्छा अच्छा सनग्लासेस। इधर से चलते हैं, पुराना वाला रास्ता अपनाते हैं और फटाफट बहुत आगे निकलते हैं, क्योंकि 11:25 हो गया है और मेरे ग्रुप का जो प्रोजेक्ट जो किए हैं जिसके साथ, वो लोग का भी कॉल आ गया था कि वो लोग पहुंच चुका है और हम अभी पहुंचने ही वाले हैं, हम बोले 10 मिनट में आ जाएंगे भाई, चलते हैं अभी कॉलेज। उसका देख लेना प्रोजेक्ट क्या है, तुम लोग सब ले लो, तब ना पता चलेगा कि खिला दिए, मम्मी को भी पता चलना चाहिए ना क्या दोस्त, नहीं तो पता चला मम्मी बोलेगी कहाँ दे दिया, और खा लो दोस्त मीठा नहीं पसंद है। सौरभ तुम चश्मा पहन के घूम रहा है, तो वाइवा वगैरह दे दिए एकदम अच्छे से, तो
वो सब कंप्लीट, सारा एग्जामिनेशन कंप्लीट, सारा कुछ कंप्लीट हो गया अभी कॉलेज का मेरा। और मम्मी थोड़ा हलवा बना के दी थी तो सबको खिला दी एकदम, सब खा लिया, थोड़ा बच भी गया। इनफैक्ट हमको लगा कि नहीं बच पाएगा क्योंकि 10 दोस्त के हिसाब से बनवाए थे और लगा बहुत हो गया, कोई कम, सबको लग रहा था प्रसाद है प्रसाद है। तो वही उसी में थोड़ा सा रह गया, बट लेकिन ज़्यादा था तो खा नहीं पाया पूरा, थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा, ज़्यादा नहीं बचा। अभी स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था इस कारण से रुकना पड़ा। और तो और आज का शाम का ये प्लान है ना कि जाएंगे हॉस्टल पे शाम में, क्योंकि कल या परसों निकल जाएगा सैलेस भी अपना पटना के लिए, फिर वहाँ से पटना से उसका त्रिची के लिए रहेगा ट्रैवलिंग। तो फिर उसके बाद तो फिर पता नहीं मिल पाएंगे, कभी मिल नहीं पाएंगे, इसका कुछ फिक्स नहीं है। इस कारण से ही आज जाएंगे शाम में, और बहुत लोग हैं, धीरे धीरे निकल जाएगा अब हॉस्टल से भी, क्योंकि अब ख़त्म ही हो गया सारा कुछ। तो थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम बचा हुआ है, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह लेना वो भी सब आदमी आज ही करवा रहा है धीरे सब पूरा काम, तो इस कारण से भी सब निकल जाएगा। तो इसीलिए आज सोचे हैं कि जाएंगे हॉस्टल पे और रुकेंगे पूरे रात वहीं पे, थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हुए फिर अलविदा कहते हुए फिर निकलेंगे हम, कल सुबह आएंगे होगा तो घर। तो यही है आगे का आज का प्लान। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं पहले घर, उसके बाद जाके थोड़ा सा आराम वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे शाम में। तो चलते हैं अभी फटाफट घर, उसके बाद फिर मिलते हैं। हाँ तो गए थे घर, उसके बाद हम फिर रेडी होकर वापस से आए, सौरभ फिर से पार्टी दे रहा है हम लोग को बर्थडे का महाकाल में, तो उसी के लिए निकल रहे हैं सब। आज रात में यही है, ये रहा रणवीर और पीछे अविनाश, ये हम मतलब हम तीनों साथ में जाएंगे बाइक पे, और बाद बाकी पहुँच गया सब। और ये रहा मेरा बाइक, दिख भी नहीं रहा, वो मेरा है बाइक। यस लेट्स गो, क्या है इधर इसके घर में एक डॉक्टर, एक ही जिसको पूरा कहानी आज रिकॉर्ड करें। हां एक पुलिस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, एक फील्ड ऑफिसर, एक एडवोकेट, इंजीनियर, इंजीनियर वही केवल एक इंजीनियर, अब इंजीनियर कह के क्या, इंजीनियर बन के पास हो क्या दोस्तों। सुबह का 4 बज गया, सोने थोड़ा मोड़ा दिया थोड़ा नहीं दिया है, और रणवीर का थोड़ी देर में बस है तो निकलेगा, और नागेंद्र को भी नहीं सोने दिए पूरा एकदम कुहासा लग गया, कुहासा बोलना है, ओस ओस हो गया पूरा। चलो भाई चलो मिलते हैं, अभी आए यहाँ पे चाय पीने, इतना गंदा चाय दिया है सुबह सुबह का चाय, ये क्या ही बोला। तो क्या अभी पेमेंट वगैरह करने कंप्लीट, यहाँ पे अभी भी उसी का रणवीर का रखा हुआ, हम वहाँ फेंक भी दिए, बहुत बेकार चाय दिया यार सुबह।